लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। तमाम अटकलों और अफवाहों के बाद ने आखिरकार 2020 में से पर्दा उठाया था। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता इसी साल 2020 के मध्य में के प्रोडक्शन वर्जन का वर्ल्ड प्रीमियर कर सकती है, यानी इन वर्जन और लॉन्च वर्जन में कोई खास अंतर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वर्जन प्रोडक्शन वर्जन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें बड़े व्हील्स, चमकदार पेंट और छोटे दिए गए हैं। 2020 के मध्य में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद कंपनी ने इसे अगस्त में बाजार में लॉन्च करना तय किया है। भारत में ने 10 के साथ एंट्री की थी और भारतीय ग्राहकों का दिल चुरा लिया। यह एक आकर्षक लुक वाली शानदार फीचर्स से लैस एक पावरफुल एसयूवी है। भारतीय ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उन गिने चुने ब्रांड्स में शामिल है जिन्होंने बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल की है। के बाद किया मोटर्स ने लॉन्च की, इसके बाद कंपनी ने अपने तीसरे उत्पाद के रूप में पेश किया था। भारत में यह एक एंट्री लेवल मॉडल होगा जो कि आखिरी लाइनअप में के नीच होगा। में इस्तेमाल की गई ज्यादातर मैकेनिकल्स Hyundai Venue पर आधारित है, लेकिन इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पूरी तरह से अलग हैं। दक्षिण कोरिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अगस्त 2019 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लॉन्च किया था। इसी के साथ कंपनी ने भारतीय कार बाजार में एंट्री की थी, इसलिए ने तय किया है कि अगस्त 2020 में भारत आने की पहली सालगिरह के मौके को लॉन्च कर जश्न मनाएगी। भारतीय बाजार में का अगला उत्पाद दश होगा, 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। इसके 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं 1.2 लीटर के साथ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.5 लीटर डीजल इंजन में रस्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। डीजल इंजन में ऑटोमेटिक पावरट्रेन भी मिलेगा जो Hyundai Venue में नहीं मिलता। डैश सेगमेंट में का मुख्य मुकाबला और 300 से होगा। उम्मीद है कि कंपनी अपनी इस नई SUV की कीमत 7-12 लाख रुपए के बीच रख सकती है।